Hello the cutest people out there, welcome back to my channel. So this is not a story video, this is not a motivational video, this is not a strategy video, this is my video about my life, about our channel. क्या क्या तकलीफें आई, कठिनाइयाँ आई, डिफिकल्टीज आई, कितने मज़े किए हमने इस चैनल पे, कैसा सफ़र रहा इस चैनल का, इस चैनल का आगे क्या होगा. सो स्टोरी है, बने रहना लास्ट तक, मज़ा आएगा पूरी स्टोरी सुन के जाना. तो चलो गाइस बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं. तो फ्लैशबैक में जाते हैं नीट 2020 13 सितंबर को होना था. तो 13 सितंबर को मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आया घर पे. 14 सितंबर को मैंने चेक किया और फिर उसके बाद मुझे पता चल गया था कि हाँ भाई इस साल तो नहीं होने वाला. उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि हाँ एक साल तो और ड्रॉप लेना है, अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट करना है, अपना बेस्ट देना है, चाहे उसके बाद फिर रिजल्ट कुछ भी आए, मैंने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया, जो मैं कर सकता था मैंने अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया. तो उसी के साथ मैंने ये ठान लिया था कि इस साल तो मुझे ड्रॉप लेना है. फिर 15 सितंबर को मैंने शाम को ये चैनल, यूट्यूब चैनल बनाया. मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बस मुझे ये था कि मुझे अपनी जर्नी ऐसे ड्रॉपर एज ए नीट एस्पिरेंट रिकॉर्ड करनी है. 15 सितंबर को मैंने चैनल बनाया, 15 सितंबर को मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा, फिर मैं अपनी टेस्ट वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था इस चैनल पे. शुरू में मैंने अपनी टेस्ट वीडियोस अपलोड करी ताकि मुझे अपना पता चलता रहे कि मेरी क्या परफॉर्मेंस चल रही है क्या नहीं चल रही. मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा था इस चैनल पे. फिर ऐसे ही चलता रहा, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, पता नहीं मुझे कैसे हो गए, अपने आप ही हो गए. फिर उसके बाद जब मेरे अबाउट 300 सब्सक्राइबर्स थे तब मैंने अपनी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी, वो भी एक्सीडेंटली. मैं लाइब्रेरी से घर पे आया था रात को, उस दिन लाइब्रेरी जल्दी बंद हो गई थी, तो फिर मैं 10 बजे अराउंड घर पे आ चुका था. उस टाइम फिर मैंने अपना सोचा कि चलो पढ़ते हैं. मुझे नहीं पता क्या था, मैंने अपने आप पता नहीं वैसे ही यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी. पहला दिन था लाइव स्ट्रीम का, मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. वहाँ पे पहले दिन ही 15 लोग आ गए, बोल रहे कि भैया आपकी डेली टाइमिंग्स क्या होती है, क्या आप डेली लाइव स्ट्रीम करते हो, ये वो. मुझे पता ही नहीं था कॉन्सेप्ट लाइव स्ट्रीमिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है. तो आई बी लाइक हाँ मैं तो डेली स्ट्रीमिंग करूँगा अब से, ये वो. फिर मैंने अगले दिन फिर 2 आवर्स की स्ट्रीम चला दी, फिर अगले दिन फिर ऐसे ऐसे. मैं पहले रात को स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया था. रात को हम स्ट्रीमिंग करते थे, सही मौज में 2 घंटे निकल जाते थे पढ़ पढ़ के, मज़ा आ रहा था. ऐसे फिर मेरे अराउंड 500 सब्सक्राइबर्स हो गए. तो शुरू के लाइव स्ट्रीम में मैं बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया करता था, एक रेन एंड टीयर्स, आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो. मैं वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रीमर्स था जो कि नीट एस्पिरेंट था, जो कि लाइव स्ट्रीम करता था स्टडी विद मी लाइव स्ट्रीम. मेरी पहली लाइव स्ट्रीम 22 दिसंबर 2020. फिर उसके बाद ऐसे चलता रहा, और भी स्ट्रीमर्स आए मेरे साथ, जो भी नए स्ट्रीमर्स थे, मतलब सारे नए थे. ये इसी साल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, और मुझे नहीं पता कि मेरे से पहले कोई कौन ऐसा नीट एस्पिरेंट था जिसने 22 दिसंबर से पहले स्टार्ट किया. तो ये जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक था ये वायरल हो गया, किसी एक बड़े स्ट्रीमर ने इसको यूज़ कर लिया, फिर उसको देख के किसी दूसरे स्ट्रीमर ने यूज़ कर लिया, फिर अभी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोलते कि भैया आपने वहाँ से कॉपी कर दिया. तो ये ठीक है, हाँ हमने कॉपी कर लिया, बाकी सच्चाई तो ये कि सेकेंड लाइव स्ट्रीम थी मैं तब से ये बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर रहा था. तो ये ऐसी कोई छोटी सी बात है, मतलब ऐसे तो काफ़ी चीज़ हुई थी हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग के, इस चैनल के सफ़र में. फिर टाइम गया,
500 से 1 के सब्सक्राइबर्स हुए। धीरे धीरे कैमरा एंगल्स चेंज होते रहे, बैकग्राउंड चेंज होता रहा, पढ़ाई में मौज आने लग गई, स्ट्रीम का टाइमिंग्स बढ़ गया। तो फिर ऐसे ही फिर हमने चैलेंजेस भी किए काफ़ी बीच बीच में, जैसे कि 100 आवर्स चैलेंज किया था हमने, एक 21 डेज चैलेंज किया था सक्सेसफुल, मतलब फुल मौज में हमने पढ़ाई की। हमारी तो यही खास बात है कि हम पढ़ते भी थे तो फिर मौज में पढ़ते थे, फुल ऑन एंजॉयमेंट। उसके बाद फिर एक कंटिन्यूस लाइव स्ट्रीम का भी चैलेंज किया था हमने स्टार्ट। अब यू कंटिन्यूस लाइव स्ट्रीम तो नहीं चल पाई, किसी होता है ना कि जब कोई इंसान ज़्यादा ही अच्छा करने लग जाता है तो कुछ लोगों के सीने में आग लग जाती है। तो एक दिन यूट्यूब के मेरे पास मेल आए, 3 मेल लगातार, यू रिसीव ए कॉपीराइट स्ट्राइक, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी मेरे चैनल पे। तो मतलब मेरा चैनल एक हफ्ते के अंदर टर्मिनेट होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वो फेक स्ट्राइक्स थी। तो फिर मैंने काउंटर नोटिफिकेशन डाली तो फिर हमारा चैनल वापस आ गया। लेकिन इस चैनल पे बस ये दिक्कत नहीं थी, इस चैनल पे काफ़ी दिक्कतें चल रही थी, किसी को भी कभी भी बिना बात टाइम आउट हो जाता था, टॉक्सिसिटी, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी हो गई थी इस चैनल पे। तो इस सब के बाद हमने डिसाइड किया, जब मुझे स्ट्राइक आई थी इस चैनल पे, कि अभी एक दूसरा चैनल स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे पढ़ा करेंगे। तो फिर मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया, देवहुड्डा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने सोचा कि भाई अभी इस चैनल पर स्ट्रीमिंग करनी है, इस चैनल पर अब से हम स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, हम उस चैनल पर स्ट्रीमिंग करेंगे। तो इस चैनल का होगा क्या आखिर? इस चैनल का होगा, अभी इस चैनल पर जैसे कि अभी एक ये वीडियो आने वाली है, ऐसे इस पे व्लॉग्स आएंगे, काफ़ी चीज़ें आएंगी इस चैनल पे, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग किया करेंगे उस चैनल पे। ये कुछ इंसिडेंट्स थे और आप सब हमारे साथ ऐसे ग्रो करते गए, हमारी एक पूरी फैमिली बनती गई इस चैनल पे, काफी लोग अटैच हो चुके हैं इस चैनल से, बहुत ज्यादा मजे किए हमने इस चैनल पे, एंड वी विल मिस लाइव स्ट्रीम्स ऑन दिस चैनल। बाकी इम्प्रूवमेंट तो तूने देखी है, पहले स्ट्रीम लाइव से स्ट्रीम करते थे, फिर उसके बाद OBS, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे स्लो इम्प्रूवमेंट हुई है, हमारी पढ़ाई भी अच्छी हुई है, स्कोर भी इम्प्रूव हुआ है मेरा। मतलब पहले की वीडियो मुझे पता है कि मेरा एक बार स्कोर आया था अराउंड 485 समथिंग, उसके बाद 510, 520, 550, तो 500, 550 के बीच में स्कोर रहता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा जैसे कि स्टडी टाइम इंक्रीज़ हुआ, हम सब साथ में पढ़ते गए, दिन के 10-11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, पता नहीं कैसे निकल जाते थे। स्कोर भी इम्प्रूव हुआ, 600 कंसिस्टेंट कंसिस्टेंटली 600, 600+, 600+ स्कोर हुआ टेस्ट में। और अभी नीट नीट बिल्कुल पास आने लग रहे हैं, तो थोड़ा सा तो थोड़ी तो घबराहट होती है दिल के अंदर। अभी नीट का रिजल्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता, ना मुझे पता ना तुम्हें पता कि नीट का क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरा मोटिव था कि हाँ अपना बेस्ट देना है इस बार, रिजल्ट पे नहीं जाना, अपना जो बेस्ट है, अपना बेस्ट देना है, कि मैं अपना बेस्ट क्या दे सकता हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड अगर सोचो कि तुम कि रिजल्ट आना है तो फिर नहीं कर पाओगे यार, अपना बेस्ट देने का ट्राई करो और जो तुम्हारा बेस्ट होगा वो तुम्हें पक्का उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। मेरा ड्रीम कॉलेज सबको पता है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि अगर वो नहीं पॉसिबल हो पाया तो? एक ही बात कहूँगा, अपना बेस्ट ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना है। रिजल्ट के बारे में मैंने भी सोचा था, और सोच के एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, बाकी सब कुछ होगा, बस तुम्हें इस टाइम पे तो स्पेशली अपना फोकस करना है उस चीज़ पे जो कि पढ़ाई,
अपना बड़ा ही करो यार, तुम रिजल्ट के बारे में ना सोचो। जितना ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, उतनी ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे इनसाइड से। और तो यार कुछ नहीं है, तुमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे इस चैनल पे, अभी उस चैनल पे भी इतना सपोर्ट करते हैं, उस चैनल को भी ग्रो करते हैं। उस चैनल पे स्ट्रीमिंग क्या करेंगे, इस चैनल पे व्लॉग्स अपलोड क्या करेंगे, इस चैनल पे स्ट्रेटेजीज, सब कुछ, मोटिवेशन वगैरह, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मेरी कोई मोटिवेशन नहीं होती, मेरी बात होती है, मैं अपनी बातें इस पे रखा करूँगा और हम अपनी पढ़ाई उस पे रखा करेंगे, तो ऐसे ही दोनों चैनल के बीच में बैलेंस बना कर रखेंगे। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ इट। काफ़ी बातें हैं शायद जो मैं कभी छूट रही होंगी, काफ़ी बातें जो कि बाद में याद आएंगी, तो क्या पता इस वीडियो का एक सेकेंड पार्ट भी आ जाए। अगर इस चैनल के बारे में, मतलब और भी स्टोरीज है इस चैनल से रिलेटेड, और भी स्टोरीज है हमारी स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, अगर उनके बारे में भी जानना है तो फिर कमेंट कर देना यार। सो थैंक यू गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब किया है यार दिल से शुक्रिया, और जिसने नहीं किया तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से कर देना। फिलहाल तो मैं तुम्हें मिलूंगा, लाइव भी मिलूंगा दूसरे चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच गाइस, अभी मिलेंगे फिर कभी। सो तब तक के लिए बाय बाय। It's 550 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky